पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज्यादा स्कूल्स पाकिस्तानी मिलिट्री ओन करती है और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी ज्यादा है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से पाकिस्तान आर्मी के चीफ्स ने हिस्ट्री में अहम किरदार अदा किया है। मुल्क के ताकतवर फौज के लीडर्स के तौर पर उन्होंने कौमी सलामती, फॉरेन पॉलिसी और यहाँ तक के मुल्क की सियासत में भी अपना लोहा मनवाया। जनरल सर फ्रैंक मैज़रवी, फरवरी 1948 टू अगस्त 1947। फ्रैंक मैज़रवी पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडरान चीफ थे। इनकी मुख्तसर दौर ने पार्टीशन के हंगामों के दरमियान नए जज्बे से काम करने को फ़रोग दिया। मैज़रवी ने ब्रिटेन इंडियन फौज के सरमाया को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करने की निगरानी की। इन्होंने बरतानवी अफसरान को पाकिस्तान में काम करने पर आमादा किया। इन्होंने नई बनाई गई फौज को डिसिप्लिन और यूनिटी बरकरार रखने का मौका दिया। 1947 में कश्मीर पर कबायली हमले के दौरान फ्रैंक मैज़रवी ने कमज़ोर फौज के बावजूद डिसिप्लिन से मुकाबला किया। सिर्फ 6 माह के मुख्तसर दौरानी में मैज़रवी के पास फौज पर मजीद काम करने का वक्त नहीं था। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज स्टार्ट के सालों में बेहद कमज़ोर रही। जनरल सर डॉगलस ग्रेसी, जनवरी 1951 टू फरवरी 1948। ग्रेसी ने पहली जंग कश्मीर के दौरान चार्ज संभाला और पाकिस्तान आर्मी को प्रोफेशनल फोर्स बनाने का अहम काम किया। ग्रेसी ने पाकिस्तान में यूनिट्स के अहम ट्रांसफ़र की निगरानी की, फौज को सिर्फ 150,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक पहुंचा दिया। इन्होंने पाकिस्तानी फौज में बरतानवी डिसिप्लिन और यूनिटी की खूबियाँ डाली। ग्रेसी को बंगालियों और माइनॉरिटी अफसरान पर बरतानवी, पंजाबी और पठान अफसरों की हिमायत करने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया। इसने नई बनाई गई कौम के अंदर तकसीम को बढ़ाया था। जनरल मोहम्मद अयूब खान, अक्टूबर 1958 टू जनवरी 1951। अयूब खान पाकिस्तान के सबसे बासर आर्मी चीफ्स में से एक थे जो बाद में बगावत के जरिए सदर बनने के लिए खड़े हुए। अयूब ने अपनी फौज को जदीद बनाया, अमेरिका से मॉडर्न ब्रिटेन टेक्निक समेत मॉडर्न वेपन हासिल किया। उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज जैसे इदारों की बुनियाद भी रखी। इससे फौज को प्रोफेशनल बनाने में मदद मिली। अयूब की बढ़ती हुई सियासत मुदाखलत ने सिविलियन डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, जिससे नाराजगी पैदा हुई। इनके इख्तियारात ने सीनियर अफसरान में करप्शन को पैदा किया। जनरल मोहम्मद मूसा, सितंबर 1966 टू अक्टूबर 1958। मोहम्मद मूसा ने हिंदुस्तान के साथ बड़े क्लैशेस में फौज का चार्ज संभाला और एक क्रिटिकल दौर में फौज की क़यादत की। मूसा के दौर में फौज 4 लाख से ज़्यादा फौजियों तक फैल गई। उन्होंने जदीद चीनी और अमरीकी हथियार हासिल किए, डिफेंस सलाहियतों में इजाफा किया। मूसा ने 1965 की जंग में फौज की क़यादत की, हिंदुस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल की। मूसा में अयूब की पॉलिटिकल सलाहियत की कमी थी। वो भारत के कब्ज़े की गई ज़मीन को दोबारा हासिल किए बगैर किसी हाल के जंग को ख़त्म होने से नहीं रोक सके। मूसा ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी को ख़त्म करने में भी नाकाम रहे। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, सितंबर 1966 टू दिसंबर 1971। याहिया ने फौज के तारीख तरीन चैप्टर्स में से एक की सदारत की। याहिया ने फौजी इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने और अयूब की महंगाई मॉडर्निज्म को कम करने की कोशिश की। उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन को दूर करते हुए आज़ाद इलेक्शंस की इजाज़त दी। याहिया ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई तकसीम को रोकने में नाकाम रहे। एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने आज़ादी के जज्बात को मुश्तइल किया। 1971 की जंग में इनकी कार्रवाइयों में ताख़ीर भारत की तेज़ी से पाकिस्तान में दिलचस्पी का बाइस बने। जनरल गुल हसन खान, दिसंबर 1971 टू मार्च 1972। गुल हसन के पास शिकस्तदा फौज की दोबारा से तामीर और 1971 के बाद मोराल बहाल करने का मुश्किल काम था। महदूद मुद्दत के साथ गुल हसन ने चंद काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल की। उन्होंने बिखरी हुई फौज को दोबारा इकट्ठा किया और नाअहल कमांडरों की जगह ले ली। जनरल टिक्का खान, मार्च 1972 टू मार्च 1976। टिक्का खान को बशर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। टिक्का ने ऑपरेशंस की क्यादत की, जिसने आर्जी तौर पर बलूचिस्तान में नस्ली बदअमनी को दबाया, सियासी ग्रोहों के लिए जगह फराहम की। उन्होंने मिडिल ईस्ट के अमन के मिशंस को पाकिस्तान को भी शामिल किया। टिक्का को बलूचिस्तान में भारी ताकत के इस्तेमाल की वजह से शोहरत मिली, जिसमें शहरियों को बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसके बाइस फौज के खिलाफ मजीद नफरत पैदा हुई। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, मार्च 1976 टू अगस्त 1988।
ज़िया ने सिविलियन हुकूमत के खिलाफ बगावत के बाद पाकिस्तान के तवील तरीन फौजी हुक्मरानी की क़यादत की। ज़िया के माशाल्लाह ने डेमोक्रेटिक हालात के बाद लंबा क़याम किया। इन्होंने फौज और माशरे के मुकम्मल इस्लामाइजेशन का भी आगाज किया। ज़िया की डिक्टेटरशिप ने पाकिस्तान की जमहूरी तरक्की और एक नस्ल तक रोक दिया, जबकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त का सहारा। ज़िया के सरगिया जिसने इंतहा पसंदों को मसला लेकर पॉलिसियों को कमज़ोर किया। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, August 1988 to August 1991। मिर्ज़ा असलम बेग ने जमहूरियत में वापसी तो इख्तियार की और डिक्टेटरशिप का अख्ताम किया, लेकिन इन्होंने सियासत को प्रमोट किया। असलम बेग ने ज़िया के मॉडर्निज्म को जारी रखा, न्यूक्लियर वेपन को फ़रोग दिया। इन्होंने सोवियत यूनियन के बाद अफगान कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान में फैलाने का इंतज़ाम किया। इनका बड़े पैमाने की करप्शन का इल्ज़ाम, जिसमें इलीगल सियासत और फंड्स लॉन्ड्रिंग भी शामिल थी, इससे फौज की इमेज बुरी तरह ख़राब हुई। जनरल आसिफ नवाज, August 1991 to January 1993। इस तमाम दौर के दरमियान जमहूरी वक्फे में आसिफ नवाज ने मुख्तसर तौर पर फौज की क़यादत की। इन्होंने फौजियों की ट्रेनिंग और इनकी रिहाइश को बेहतर किया। आसिफ नवाज ने करप्ट अफसरों को रिटायर करके करप्शन कम की। उन्होंने असल खतरे पर तवज्जो करने के लिए फौज के विजन को दोबारा बयान करने की कोशिश की। वो सिर्फ 1.5 साल की मुद्दत में बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए, इसी वजह से वो अपने रिफॉर्म्स पर अमल नहीं कर पाए। जनरल अब्दुल वहीद कक्कर, January 1993 to January 1996। 1990 में जमहूरियत के जवाल के बाद अब्दुल वहीद कक्कर ने शदीद पॉलिटिकल प्रेशर में चार्ज लिया। इन्होंने 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए सियासी पार्टीज के दरमियान मुज़ाकरात फराहम किए। इससे डेमोक्रेसी को दोबारा शुरू करने में मदद मिली। इन्होंने डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म को भी तरजीह दी। अब्दुल वहीद कक्कर ने करप्शन और नाअहली के इल्ज़ाम के दरमियान कमज़ोर डेमोक्रेसी को ताकत देने की कोशिश की। जनरल जहांगीर करामत, January 1996 to October 1998। करामत ने कौमी सलामती की कोशिश की। इनका टकराव सिविलियन लीडर से हुआ। करामत ने हुकूमती इदारों में पॉलिसी को मजबूत करने के लिए कौमी सलामती कौंसिल कायम की। इन्होंने खामोशी से सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट की निगरानी की, भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। गवर्नेंस पर फौज के इख्तियारात बढ़ने में तौसीह का मुतालबा करते हुए करामत और वज़ीर आज़म शरीफ के साथ इनका इख्तलाफ पैदा हुआ और इनको अचानक इस्तीफ़ा देना पड़ा। जनरल परवेज मुशरफ, October 1998 to November 2007। मुशरफ ने एक खून खुआर और बगावत के इकतदार पर कब्जा किया और तकरीबन 10 सालों तक सरबरा रहे। बगावत के बाद मुशरफ ने इब्तदाई तौर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक तरक्की फराहम की। 9/11 के बाद इसने इंटरनेशनल हैसियत दोबारा हासिल करते हुए तालिबान के खिलाफ अमेरिका के साथ माहदा किया। मुशरफ ने डिक्टेटरशिप ने बिला आखिर कई इदारों को नुकसान पहुँचाया और जमहूरियत को ख़त्म किया। अगरचे मुल्क की इकनॉमिक ही तरक्की का सहरा इसे दिया गया, लेकिन ये बरकरार नहीं रहा, वो इंतहा पसंदी से निमट ना सका। जनरल इशफाक परवेज कियानी, November 2007 to November 2013। मुशरफ के बाद कियानी ने बरसों के हंगामे को ख़त्म करके सिविलियन हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। कियानी ने फौज को सियासत से दूर रखकर जमहूरियत की हिमायत की। उन्होंने सवात और वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से इलाकों को वापस करने के लिए बड़े मुहिमों की क़यादत की। कामयाबियों के बावजूद दहशतगर्दों के ग्रुप्स बरकरार रहे और कियानी को ऑपरेशन के दौरान ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जियों पर तनकीद का निशाना बनाया गया। वो डिफेंस पॉलिसी की इस्लाह में भी नाकाम रहे। जनरल रहील शरीफ, November 2013 to November 2016। रहील शरीफ ने इंतहा पसंदों के खिलाफ कोशिशें जारी रखी और फौज का इमेज बेहतर किया। रहील शरीफ ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। नॉर्थ वजीरिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू किया। इनके दौर में दहशतगर्दी के वाक़ात में कमी आई, इससे फौज का वक़ार और हौसला बढ़ा। लेकिन इस सब के बावजूद शरीफ दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सके, जो आज भी बरकरार है। फौज से बदसलूकी की वजह से इनकी इमेज खराब हो गई। जनरल कमर जवेद बाजवा, November 2016 to November 2022। बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में सोल मिलिट्री तनाव के सख्त दौर में फौज की क़यादत की। बाजवा ने चाइना और मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया। इन्होंने भारत के साथ अमन के इकदाम की हिमायत की। मकामी तौर पर बाजवा ने ऑपरेशन अलफसाद जैसी मुहिम से दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाए। बाजवा अपनी मुलाजमत को बढ़ाने और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हल करने में ही उलझ गए। इन पर इल्ज़ाम लगे हैं कि इन्होंने इमरान की हुकूमत को हटाने में मदद की और दहशतगर्दी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की गई। जनरल आसिम मुनीर, November 2022 to November present।
पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर जनरल मुनीर की मुद्दत मुलाजमत अभी शुरू हुई है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें करते, इकोनॉमिकल क्राइसिस ख़त्म करते, इमरान खान की बरतरफी और सियासी कशमकश के बाद सोल मिलिट्री ताल्लुकात में इत्तमाद पैदा करते हुए नजर आते हैं। ISI के अपने सबका तजुर्बे के साथ जनरल मुनीर सिक्योरिटी पॉलिसी को संभालने के लिए अच्छी पोजीशन में है। पॉलिटिक्स से दूर रहते हुए नई हुकूमत के साथ इस्तेहकाम को बरकरार रखना के अहम चैलेंजेस होंगे। वक्त के साथ इनकी कामयाबियों और नाकामियों का अंदाज़ा होता रहेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हैरतअंगेज मिसाइल छोड़े हैं। कुछ ने बगावत और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया, कुछ ने डेमोक्रेसी की हिमायत की। सबसे बड़ी कामयाबी के उन्होंने फौज को मॉडर्न बनाना, भारत और दहशतगर्दों जैसे बिरूनी खतरात का मुकाबला किया। इन्होंने रिकॉर्ड और शहरों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल ने भी फौज की साख को नुकसान पहुंचाया है। आगे बढ़ते हुए पड़ोसी ममालिक के साथ गर्मजोश ताल्लुकात, पॉलिटिकल मुदाखलत में कमी और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कोशिशें मौजूदा चीफ को कामयाबी हासिल करने में मदद कर सकती हैं।